साथ प्रेम करने वाली हूँ। माय हेयर्स, मेरी इंग्लिश चेक करें गाइस। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिस्टर्स गैंग। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपकी बहन बनाने वाली है पुलाव और उसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सो गाइस, प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी। जो मसाले थे मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने धीमी गैस पर रख दिए हैं भुनने के लिए। अभी देखते हैं कि वो मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन रहे हैं कि नहीं। लेट्स सी। सो गाइस, मसाले जो है अच्छे से भुन गए हैं, खुशबू भी इतनी अच्छी मज़ेदार है। अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मौसम जो है वो बहुत 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 अच्छी है। रात को बारिश भी हुई थी, बहुत तेज तूफानी बारिश। आप लोग गाइस देख सकते हैं इतनी गर्मी में आपकी बहन कितनी मेहनत कर रही है, और मेरी बहनें जो है वो आज मेरी हेल्प ही नहीं कर रही, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। मैं अकेली जो हूँ वो सब कुछ कर रही हूँ, खुद ही बनाया है पुलाव सारा का सारा, कटिंग भी खुद की है, सब कुछ खुद किया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं उनको सजा दूंगी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। अब सजा कैसी हो वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आज उन लोगों के साथ प्रैंक करने वाली हूँ। और इतना मजा आने वाला है आपको ये व्लॉग देखकर। सो अभी जल्दी से जिन जिन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आप लोगों को हमारे चैनल पर रोज व्लॉग मिलेगा, न्यू व्लॉग मिलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार से व्लॉग मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हम घूमने के लिए बाहर जाने वाले हैं और वहां पर बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं, मज़े के व्लॉग आने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप लोगों ने नहीं दबाया तो हमारे जो न्यू व्लॉग हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगी और आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि हमने न्यू व्लॉग अपलोड किया है। सो बेल आइकन को दबाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ऐसा करते हैं चैनल को हमारे वीडियोस देखते तो हैं, लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों, उनको क्या मसला है। देखते ज़रूर हैं हमारी लाइफ कि क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, बट लाइक नहीं करते। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी है गाइस। एक तो रात बारिश भी हुई है और आज भी लग रहा है बारिश होगी, मे बी बारिश हो जाए, और मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। सो गाइज, आज की मौसम जो है वो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी मौसम है। मेरा तो दिल कर रहा है बाहर जाके घूम कर आ जाऊँ और अपनी बहनों को बताऊंगी ना, पर क्या करूँ, मैं उनके बिना नहीं जा सकती। मेरे बाल भी देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि बम फटा हुआ है बालों में, क्योंकि रात बारिश थी और बारिश में हम भीगे हैं तो ये बाल इससे ड्राई ड्राई हो गए हैं। खैर, इग्नोर माय हेयर्स गाइस, इग्नोर माय हेयर्स, मेरी इंग्लिश चेक करें गाइस। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ओके सो गाइस, अभी देखते हैं, हम चावल डालते हैं। चावल डालने लगी हूँ मैं एक हाथ से, मेरे पास दो हाथ है, अब कौन से काम करने कौन से करूँ, एक से व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक से चावल डाल रही हूँ।
सो ये इससे ही होगा इससे। सो एक मिनट में ब्लॉग बंद करके, सो गाइस सही से मैंने चावल डाल दिए, अभी इनको मिक्स करते हैं और जब तक पानी सूख जाए और हम दम पर लगाएं तब तक के लिए इसको हम ढक देते हैं इसे। सो गाइस अभी मैंने चावल डाल दिए हैं, अभी जल्दी से पानी सूखे में दम पर लगा कर अंदर जाकर बैठूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आई स्वेयर इतनी गर्मी है मेरी मेरी जान निकल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना पसीना। अभी मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी पुलाव का, और इतना कसम से इतना मज़े का बनता है। ये सिंपल रेसिपी है, आप लोगों ने जैसे कि देखा इंग्रेडिएंट्स भी मैंने आप लोगों को बताए हैं एक एक करके, और आज मैंने आप लोगों को डिटेल में सिर्फ रेसिपी दिखाई है डिटेल में। सो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और जो ट्राई करें वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कैसा बना उनका। तो मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने बहनों के साथ आज क्या करने वाली हूँ। आप लोग देखकर खुश हो जाएंगे गाइस, आई स्वेयर आप लोग खुश हो जाएंगे। गाइस दम लगाने से पहले मैं ग्रीन चिली डालती हूँ, उसके बाद दम लगाती हूँ। गाइस चावलों को मैंने दम लगा दिया है, अभी 5-10 मिनट के बाद मैं देखती हूँ चावल बन गए हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ चावलों का, और उसके बाद प्रैंक होगा मेरी बहनों के साथ। मैं कम आवाज़ में इसीलिए बात कर रही हूँ जैसे कि उनको पता न चले कि आज उनके साथ क्या होने वाला है सीक्रेट, जो कि हम दो मेरे और मेरी ऑडियंस के बीच में ही रहेगा। ओके गाइस, सो आज का ब्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। फिर से बोल रही हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जो न्यू है चैनल पर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन आएगी जब हम न्यू ब्लॉग अपलोड करेंगे। सो या स्टे ट्यून। सो गाइस देखते हैं कि हमारे चावल तैयार हो गए हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े के लग रहे थे, आप लोग कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। सो गाइस में इस्मा के साथ फ्रेंक करने वाले हैं, आप लोग देखें किसे। अभी मैं चावल निकालती हूँ बिस्मा को टेस्ट कराने के लिए, ये अभी राइस, थोड़ा सा आलू भी ले लेती हूँ इस छोटी सी प्लेट में बिस्मा के लिए। अब इसमें ये काफ़ी हैं, अभी जैसे कि बिस्मा ने मेरे साथ किया था आज बिस्मा के साथ होने वाला है प्रैंक। रेडी, चलते हैं और बिस्मा को टेस्ट कराते हैं, देखते हैं बिस्मा का रिएक्शन। ये लो बिस्मा, टेस्ट करके बताओ बिरयानी कैसी बनी हुई है। दिखने में नहीं, खाने में भी यम्मी है, तुम खाओ हमेशा जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा, इतनी मजे की है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा क्या हुआ सो गाइस बदला मैंने ले लिया है प्रैंक का, पहले बिस्मा ने मेरे साथ किया था जो फ्लॉप हो गया था, बट मेरा फ्लॉप नहीं हुआ और बिस्मा के साथ ऐसी ही मैंने की और उसको ज़िंदगी भर याद रहेगी बिस्मा। तो गाइस जैसे कि आप सबने देखा कि इसने मेरे साथ कितना गंदा प्रैंक किया है, क्या कहूँ अभी, इसके साथ मैं भी इतना ही गंदा करूँगी कोई, जो इसको सारी ज़िंदगी याद रहेगा जो इसने आज मेरे साथ किया है। मुझे क्या पता था कि इतना नमक ऐसा भी नहीं इतना सा नमक या कुछ कम ये वो नहीं, सारा भरका आई है नमक उसमें बिरयानी में, बिरयानी कम और नमक ज़्यादा था, लेकिन मैं भी ऐसे छोड़ने वाली नहीं उसको, मेरा नाम भी बिस्मा है। सीन है, वाह क्या सीन है। तो इसको ऐसा सबक दे, ऐसा तुम्हें मैं छोड़ने वाली नहीं, पहली बात। गाय क्यों किया गाय, अब
सच्ची वाला, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह की कसम, पर है कि नहीं क्या, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। लेकिन तुम्हारे साथ प्रैंक होगा। ओके गाइस, आप लोग भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों ने ट्राई की और कैसी बनी। तो ये ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना।